सो हे गाइस, मैं इमरान से स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशन चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। सो आज की इस वीडियो में फाइनली हम धातु, अधातु और उपधातु, मेटल, नॉन मेटल, नॉट मेटलॉइड के ऊपर जो हमने सीरीज डिटेल में डिस्कस की थी, मतलब मैंने आपको बताया था डिटेल पे भी और सुपर टेट जो यूपी में हमारे पास होने वाली वैकेंसी या वैकेंसी जो आने वाली है, ये एग्जाम्स का जो कॉन्सेप्ट था। सुपर टेट स्पेशल की सीरीज में हमने बहुत सारे साइंस के चैप्टर कवर कर लिए, उनके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी डिस्कस की, जैसे कि मैंने धातु अधातु मेटल नॉन मेटल चैप्टर के टोटल डिटेल डिस्कस की थी, उनकी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। तो वहां पर हमने एक छोटा सा पॉइंट भी आपको बताया था कि हम इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की या PYQS की एक सीरीज भी डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी और इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी। तो आज हम टॉप 30 क्वेश्चन की एक सीरीज डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से होने वाली है, कौन कौन से एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, सुपर टेट DEE KVS में इस टाइप के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन है क्या टॉप 30 के, अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर वन देखिए पहले आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, जैसे कि आपको डिस्प्ले हो भी गया होगा, बोला है पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम होती है। एलिमेंट चारों आपको ऑप्शन अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, क्या क्या है हमारे पास, कार्बन दिया हुआ है, सी नाइट्रोजन, एन दिया हुआ, ऑक्सीजन दिया, एल एल्युमिनियम दिया हुआ है। मेटल की अगर बात करते तो एल्युमिनियम ठीक होता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एलिमेंट की तत्व की बात बोली, तो ऑक्सीजन पता है अर्थ सरफेस पे सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, दिख रहा हो आपको ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पर बोला है अयस्क से अशुद्धि, यानी कि अशुद्धि मतलब गैंग्यू बोलते हैं, जिसे हम मैंने गैंग्यू मतलब मैंने मैट्रिक्स का भी नाम दिया था, जो गंदगी होती है किसी भी अयस्क मतलब बालू, रेत, चूना, पत्थर, ये सब चीज। डिटेल वीडियो आपने नहीं देखी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ साइंस सुपर टेट के नाम से, वहां से आप प्रिपेयर कर लेना, या फिर उसका लिंक आपको लेफ्ट में मिल जाएगा पो वीडियो। तो अच्छे से डिटेल वीडियो प्रिपेयर करने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज करेंगे, तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट क्वेश्चन लगेगा, बहुत मजा भी आएगा पढ़ने में। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा, अयस्क से अशुद्धि को पृथक करना क्या कहलाता है। कोई भी अयस्क आप उठाकर लेकर आते हैं और लेकर आते हैं उससे अशुद्धि को, जो कि गैंगी होती है, मैट्रिक्स होती है, अलग करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सांद्रण बोलते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, यहाँ पर ऑप्शन है, ये देखो ऑप्शन सभी है यहाँ पर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या है, सांद्रण, जिसे बोलते हैं एक्सट्रैक्शन। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास बोला अयस्क, सॉरी कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर पायरेट, मैंने अच्छे से लर्न भी कराया, अयस्क भी पता है, वहां पर ऑक्साइड के, सल्फाइड के, क्लोराइड के, सबके अयस्क भी वहां पर हम डिस्कस किए हैं। तो कॉपर का मुख्य अयस्क पूछा गया है, तो क्या है, कॉपर पायरेट, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का भी फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ओके है, करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास क्या दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है निस्तापन क्या है, निस्तापन किसे बोलते हैं, निस्तापन है क्या, प्रोसेस है क्या, यहाँ पर बी ऑप्शन पढ़ लो आप, इसका क्वेश्चन नंबर फोर का डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन ही दी है यहाँ पर, बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बोला है वायु की नियंत्रण मात्रा अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, यानी कि अयस्क को गर्म करते हैं, अयस्क को गर्म करने के बाद पृथक करने की प्रोसेस है, क्या करना है, बालू को, रेत को, गैंग्यू जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं उन्हें अलग करना, मैट्रिक को अलग करने की प्रोसेस है, निस्तापन बोलते हैं, ये बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी काफी इजी है, क्वेश्चन में बोला गया है तांबे के शोधन की विद्युत अपघटनी जो विधि होती है, क्या बोला है, विद्युत के उपरांत तांबे की शुद्धता कितनी होती है, 99.9%। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन है, देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 99. मतलब विद्युत के अपघटन करने के बाद तांबे की जो शुद्धता होती है ना, प्योरिटी सबसे हाईएस्ट होती है, 99.99 हमारे पास परसेंटेज है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमारे पास क्या दिया गया है, सिक्स में बोला है क्रायोलाइट का सूत्र क्या होता है, Na3AlF6, यहाँ पर इसका ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है, इसके लिए ये दिया हुआ Na3AlF6, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, और बाकी इसका ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। क्रायोलाइट का फॉर्मूला मैंने इसके उसमें भी अयस्क वाले कॉन्सेप्ट में भी कराया, जब हमने आपको अयस्क लिखा है सभी चीजों के, ऑक्साइड के, सल्फाइड के, एल्युमिनियम, मतलब सब चीजों के लिखे वहां पर हमने, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, सेवन में क्या बोला गया है, सेवन में बोला है विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोधन ना करने पर गोल्ड कहां प्राप्त होता है, एनोड पर, तो यहाँ पर दिया हुआ इसका ऑप्शन, देखो उन्होंने बोला विद्युत अपघटनी विधि द्वारा कॉपर का शोध ना करने पर गोल्ड कहां, शोध ना करने पर गोल्ड कहां प्राप्त होता है, गोल्ड कैथोड को होता है, एनोड को होता है, ए और बी दोनों को होता है, इनमें से कहीं पर भी नहीं होता, तो ध्यान रखना जो हमारे पास रोड होती है पंक बोलते हैं हिंदी में, तो एनोड पर होता है। तो सेवंथ का हमारे पास कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है सेवंथ का। अब क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे ना, एट में क्या बोला है, एट में यहां पर दिया गया है कृत्रिम गोल्ड जिसे बोलते हैं रोल्ड गोल्ड, मैं यहाँ पे लिखकर दिखा देता हूँ, कृत्रिम मतलब एक तरीके से रोल्ड गोल्ड, मतलब पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा प्योर अभी, तो क्या होता है इसे क्या बोलते हैं, एल्युमिनियम ब्रांच को बोलते हैं, जितनी भी एल्युमिनियम ब्रांच होते हैं, जाने वो कॉपर ग्लास भी दिया हुआ है, कार्नेलाइट भी दिया हुआ है, एम्बेसिडर्स भी दिया हुआ है, बी ऑप्शन में एल्युमिनियम ब्रांच भी दिया होता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर एट का, ये लर्न करने वाले क्वेश्चन है, काफी इजी भी है। क्वेश्चन नंबर नाइन देखो बहुत इजी है नाइन, क्योंकि ना डायरेक्ट फॉर्मुला पूछ लिया उन्होंने, जिन्होंने मैंने आपको अयस्क जो डिटेल वीडियो में अयस्क लर्न कराए, अगर आपने वो अयस्क अच्छे से लर्न कर तो आप डायरेक्ट इसका फॉर्मुला बता सकते हैं।
है, बोला है डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3CaCO3। बहुत अच्छे से लिखवाया वहां पर, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ऑप्शन देखो है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 9 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के दिया भाई। 10 में हमारे पास क्या बोला है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु है, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली कौन सी धातु। इनमें से ऑप्शन क्या क्या दिया इन्होंने, सोना है, रजत है, कॉपर है, लोहा है। देखो यहाँ पर इन्होंने उसका रजत मतलब हमारे पास एल्युमिनियम है, हमारे पास बिल्कुल ओके है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने रजत दिया हुआ है, तो रजत हमारे पास बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया। 11 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया इन्होंने और बताना ये है क्या। 11 बोला CuCOH का होल्ड वाइज डॉट CuCO3 कॉपर का अयस्क है, इसका नाम क्या है, मैलेकाइट। आपने लर्न किया होगा, अच्छे से आपको पता भी होगा, तो 11 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विक चादरें बनाई जाती हैं कहलाता है। मैंने बताया था मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, ब्रिटल नहीं होते धातु, मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बताया था, जिसमें हम हथौड़े से पीट कर उसे शीट में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हिंदी में ऑप्शन दिया फर्स्ट ऑप्शन, क्या बोला, आघात वर्धता, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, किसका, 12 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, जो धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती वह क्या होती है। सिर्फ धातु की बात कर रहे हैं, मेटल एकमात्र एक ही ऐसा मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं पाया जाता, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम पारा बोलते हैं, मरकरी। तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, इसके लिए ऑप्शन दिया भाई मरकरी या पारा। यस देखो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पारा लिखा हुआ है, मरकरी को पारा बोलते हैं, Hg इसका एलिमेंट का सिंबल होता है। तो 13 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास। 14 में हमारे पास बोला एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास इसके लिए, सेम वही दिया यहाँ पे, एल्यूमिना होता है, कोरंडम होता है, मेलेकाइट होता है, एम्बेस्टस होता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन एल्यूमिना होता है, Al2O3 वाला, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका। ये चीज ध्यान रखना, अयस्क वाला कॉन्सेप्ट, देखो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अयस्क यानी कि और को आप अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, धातु का ऑक्साइड प्राय होते हैं, 15 में क्या बोला है, धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, उदासीन होते हैं, ध्यान रखना हमेशा क्षारीय होते हैं, मैंने लिखवाए भी है आपने डिटेल वीडियो को, मैं बार बार स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करूंगा आप डिटेल वीडियो जरूर देख लें। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है 15 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से रक्षित होती है। अच्छा जी कौन सी ऐसी है, एल्युमिनियम, बाकी सबकी तो आपने देखा होगा सबके ऑक्साइड पे लेयर चढ़ जाती है, पारा आपका मरकरी है, कॉपर भी देखा है, लोहा भी देखा है, सब पे जर लग जाता है, लेकिन एल्युमिनियम क्या हमारा सेम उसी की तरह होता है। तो 16 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17 में बोला है आधुनिक परिभाषा के अनुसार अधातु वह तत्व है, मतलब कौन से वाले, हम बताए धातु कौन से वाले होते हैं, किस वे में पूछ रहे, पहले देखते हैं ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले हमारे पास धातु होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 17 का। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। स्वतंत्र रूप में मैंने लिखवाया था जी, जर्मेनियम, पीटी और गोल्ड, तीनों लिखवाए थे मैंने एग्जांपल। तो 18 में यहाँ पे इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन गोल्ड, पहले ऑप्शन दे दिया गोल्ड, हमारे पास बिल्कुल नेटिव फॉर्म में फ्री फॉर्म में मिलने वाला एलिमेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है अधातुओं में द्रव है, मैंने आपको 22 के 22 अधातु मतलब नॉन मेटल लिखवाए थे, 22 में से मैंने आपको बताए थे 10 हमारे पास सॉलिड, 11 गैसेस, एक हमारे पास लिक्विड होता है जिसे ब्रोमीन बोलते हैं, उन्होंने द्रव ही पूछ लिया, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ब्रोमीन ही दिया हुआ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास क्या बोला गया है, 20 पढ़ते हैं, 20 में यहाँ दिया गया है धातुओं में, सॉरी 20 बोला एंटीमनी क्या है, एंटीमनी क्या है, किस वे में पूछ रहे, धातु, अच्छा उपधातु है, ध्यान रखना है नॉन मेटल है हमारे पास, सॉरी मेटलोइड, हमारे पास नॉन मेटल का ऑप्शन है, यस देखो ये उपलोइड हमारे पास उपधातु है, उपधातु को हमारा मेटलोइड बोलते हैं, तो एंटीमनी आपके पास बी ऑप्शन मतलब मेटलोइड है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे, 21 में क्या बोला है, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु निष्कासित करना आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभदायक होता है क्या कहलाता है, अयस्क। मैंने आपको अयस्क की डेफिनेशन भी लिखवाई थी, मतलब और की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन पे दिया हुआ अयस्क यहाँ पर, जिसे हम और बोलते हैं, सबसे ईजी और सबसे चीप में, वो सस्ते आराम से, सस्ते दामों पर उसे हम आराम से क्या कर ले, सस्ते कम खर्चे के साथ अयस्क से धातु को अलग कर ले, उसकी जो गैंग्यू है, जो उसके हमारे पास बोल सकते हैं गंदगी है, मैट्रिक्स है, उसे अलग कर ले, उस प्रोसेस को अयस्क बोलते हैं, और यहाँ पर इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है 21 का। अब 22 पढ़ते, ऑक्साइड अयस्क का उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कैसे कैसे दिए, फिर आराम से चूज करेंगे, है ना, ऑक्साइड अयस्क का हमारे पास उदाहरण क्या दिया है, बॉक्साइड दिया है, बॉक्साइड में ऑक्साइड होता है बिल्कुल, ऑक्सीजन हमारे पास, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है 22 का। 23 हमारे पास क्या दिया है, एल्युमिनियम का खनिज नहीं का उदाहरण दीजिए, जो खनिज नहीं है एल्युमिनियम का। अच्छा इसके ऑप्शन देखेंगे 23 के कैसे कैसे ऑप्शन है, फिर चूज करते हैं, क्या बोला है, एम्बेसस ये तो है, क्रायोलाइट, बॉक्साइड, कोरंडम तीनों ही नहीं है,
बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये खनिज नहीं है इसके। अब देखते हो 24 में हमारे पास क्या दिया गया है। 24 में बोला गया है एल्युमिनियम के निष्कर्षण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है, कौन सा विद्युत अपघट्य है इनमें से? एम्बेसस ये तो नहीं है, मेरेकाइट भी नहीं, हेमेटाइट भी नहीं, लास्ट ऑप्शन देखो पिघला हुआ क्रायोलाइट, यानी कि हमारे पास इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ज्यादा रीड भी नहीं है, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपने अगर पढ़े ना अच्छे से तो बहुत अच्छे से डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है 24 का। 25 क्वेश्चन देखो, 25 क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया इन्होंने और मैंने आपको बता दिया, और यानी कि एस के आपने फॉर्मूले लर्न करे तो आप इन क्वेश्चन का डायरेक्ट हिट बोल सकते हैं, डायरेक्टली हिट कर सकते हैं। कोरंडम का सूत्र क्या है? Al2O ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है 25 का। तो 26 पढ़ेंगे, 26 में क्या दिया हुआ है, यहां पर भी शायद एक फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ, बोला है थर्माइट किसका मिश्रण है? थर्माइट क्लियर पता चल रहा है, फेरस जरूर होने वाला है। तो यहां पर ऑप्शन देखो, फेरस के तीन ऑप्शन दे दी, फेरस के यहाँ पर लिखा हुआ है सी ऑप्शन पढ़े, Fe2O3 तथा चूर्ण का, इन दोनों का मिश्रण होता है, यानी 26 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना है पाउडर और Fe2O3 हमारे पास इसका मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। अब 27 क्वेश्चन देखेंगे, 27 में क्या बोला है, संपेग विधि से एल्यूमिना प्राप्त करने में जो गैस निकलती है वह कौन सी है? अमोनिया है। संपेग विधि आपने प्रिपेयर की है तो अमोनिया का ऑप्शन यहाँ पर है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यस और नो बिल्कुल ईजी है। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, 28 में क्या दिया है, एल्यूमिना के विद्युत अपघट्य में क्रायोलाइट मिलाने का कारण क्या है? एल्यूमिनियम के विद्युत अपघट्य, अच्छा क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं? गलनांक घटाने के लिए, गलनांक का हमारे पास कम हो जाएगा, उसको जो हमारे पास गलनांक कम होने के हमारे ऑप्शन भी दिए हैं। हाँ देखो एल्यूमिना का गलनांक बढ़ने का दिया, गलनांक घटने का दिया, तो 28 का बी ऑप्शन, 28 का बी ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर, गलनांक का एल्यूमिनियम का गलनांक घट जाता है इसलिए मिलाया जाता है, अदरवाइज नहीं मिलाते। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, धातु में चमक होती है किसके कारण होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, ऐसी कुछ ऑप्शन होगा तो देखते हैं, नहीं होगा तो और क्या होता है, सरफेस बिल्कुल शाइनी होता है, लस्टरस, उन्होंने बताया दिया था इसकी डिटेल वीडियो में। बंद इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं, इसमें नहीं होता। मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण होता है। इलेक्ट्रॉन के आयतन के कारण, आयतन ऊर्जा से कोई रिलेटेड नहीं है, बी ऑप्शन 29 का ओके है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, किस वैज्ञानिक ने धातु या अधातु का वर्गीकरण किया? लेवोशिये ने, हमारे पास इसका ऑप्शन दिया होगा, यस है। देखो इन्होंने ऑप्शन और बाकी जो दिए बात फनी भी दिए, मतलब उनके पते जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा ना मेटल नॉन मेटल को तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। किस वैज्ञानिक ने धातु यानी मेटल और नॉन मेटल का वर्गीकरण किया था? लेवोशी है, यहाँ पर इन्होंने अकबो भी दिया हुआ है, बोरबरी भी दिया हुआ है, जे थॉमसन भी दिया, जो इलेक्ट्रॉन का बोरबरी का लो पढ़ा होगा आपने, अफबो भी लो पढ़ा 11th क्लास की केमिस्ट्री में, इसके फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है 30 का। आई होप सो मेटल एंड नॉन मेटल की सीरीज काफी यूजफुल लगी, अगर आपको यूजफुल लगी, मैंने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, जल्दी से डिस्कस किया क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत इजी था, हमने इसकी डिटेल वीडियो बहुत अच्छी से प्रिपेयर की हुई थी। ये क्वेश्चन आपको पसंद आए, आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूला, अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।